जो मोदी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भी रहो, आत्मनिर्भर भी रहो, आज आत्मनिर्भर होके भी हम सड़कों पे हैं सर। जब मैं फौज में जाना चाहता हूँ तो डरने की बात कहाँ से आती है सर? जी सर, 22 तारीख को हम फिब्रवरी 22 तारीख को यहीं पे जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, वो भी शांतिपूर्वक। जैसे आज चल रहा है ना, उस दिन भी ऐसा संपूर्ण धरना चल रहा था। हमको टाइम दी गई थी 11 से 4 बजे तक, तो हम वो 11 से 4 बजे तक नहीं कि धरना दिए। और जब ही अजय सिंह सर, इंस्पेक्टर अजय सिंह सर ने आया और तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ, उठ गए, उठ जाओ बोल के बोले, तो हमने एक ही बात बोली सर, हाथ जोड़ते हैं, हमारे तो सरकार तक बात नहीं पहुंची और एक 10 मिनट दे दीजिए बोल के सब जने हाथ जोड़े। तो भी उन्हों हाथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं रहा, बाद में उनके फोर्सों को बुला लिया और लाठी शुरू करने लगा थी। अब मेरा 10 मिनट का समय आप लोगों ने मांगा था, वो समय भी आप लोग 5 मिनट, अगर हमारी बात कहीं नहीं पहुँची है सर, अभी यहाँ चल रहा है धरना प्रदर्शन, तो हमारी बात तो पहुँचनी चाहिए ना, तो हमारी बात नहीं पहुँची। और एक 5 मिनट दे दीजिए, कुछ ना होगा तो संसद में बात जाए, नहीं तो हमारे कोई MP MLA कोई तो बात करेंगे हमारे स्टेट से। ये जो लाठी चार्ज हुआ उसमें आपका हाथ टूटा, हौसला नहीं टूटा उसके बाद भी लगा नहीं कि भाई एक लाठी से हाथ टूट गया है, फिर से कोई बरबर कदम ना उठा ले प्रशासन, डर नहीं लगा, वापस क्यों नहीं गए? सर अभी एक बात बोलना चाहता हूँ सर, जब मैं फौज में जाना चाहता हूँ तो डरने की बात कहाँ से आती है सर? फौज में जाने के लिए हिम्मत होना चाहिए सर, डर नहीं होना चाहिए। जब मेरे देश के मैं सेवा करना चाहता हूँ ना सर, तो ये डर सामने काम नहीं आएगा। जब मैं आज ही नहीं सामना नहीं कर चुका मेरा प्रॉब्लम का, तो वहाँ बॉर्डर पे जाके क्या काम करूँगा सर? चलिए ठीक है, आखिरी सवाल मैं ये लेना चाहूँगा, जो सवाल मैंने और लोगों से भी पूछा, आपके साथियों से, महीनों से ये आंदोलन आप लोगों का चल रहा है, सकारात्मक जवाब, सकारात्मक रिस्पॉन्स अब तक नहीं मिला है, क्या लगता है किस उम्मीद पर बैठेंगे और किस हद तक यहाँ पर बैठेंगे? क्योंकि अब गुरुद्वारे ने भी मना कर दिया है, खुद आप लोगों को कुछ इंतजाम करने हैं जिसकी बहुत कोई ठोस योजना आप लोगों के पास है नहीं कि कैसे करने वाले हैं आप लोग अपनी व्यवस्थाएं, तो किस तरीके से और किस हद तक प्रदर्शन ये चलेगा, कितना लंबा खींचेंगे आप लोग इसे? सर ये बात तो लंबा कहाँ तक जाएगा तो सरकार के ऊपर छोड़ सकते हैं सर, हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं। जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक घर लौटने का फैसला नहीं है। जब हम देश सेवा करना चाहते हैं, जो उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स को जो जो इवेंट रखे हैं ना, वो हम सब पार चुके हैं। हम तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि सर हमें दे दीजिए ज्वाइनिंग, मतलब हम कुछ उनके प्रोसेस फॉलो नहीं करे, डायरेक्ट ज्वाइनिंग तो नहीं मांग रहे ना, वो जो प्रोसेस लगाया उसका पूरा फ़ायदा ले गए हम यहाँ तक है। हम आत्मनिर्भर से फ़ायदे पे, आज आत्मनिर्भर थे यहाँ तक है। जो मोदी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर पे रहो, आत्मनिर्भर पे रहो, आज आत्मनिर्भर होके भी हम सड़कों पे हैं सर। चलिए, जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल, आपकी आवाज अब सुनेगा देश, मुद्दा आपका, मंच हमारा, शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।